नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी की तरफ से यहाँ पर बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। दोस्तों, बहुत सारी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, सैलरी भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। तो चलो देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी सारी पोस्ट निकली है, सैलरीज क्या मिलने वाली है, कब तक अप्लाई करना है और फीस कितनी लगने वाली है। तो दोस्तों चलो देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी की तरफ से निकला हुआ ये नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं नीचे डेट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स की पहले बात करें, कब तक अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 19 जुलाई 2021 से लेके, और लास्ट डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है 16 अगस्त 2021। तो 16 अगस्त 2021 के पहले आप यहाँ पर अप्लाई करना है, लास्ट डेट आपको 16 अगस्त मिल रही है। दोस्तों चलो बात करते हैं पहले फीस की। सबसे पहले अगर आप साइंटिस्ट सी के लिए अप्लाई करना चाहते हो और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पे 1400 रुपये फ़ीस लगने वाली है, और अगर आप साइंटिस्ट बी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो 1400 रुपये, अनरिजर्व के लिए 1400 रुपये, एससी कैटेगरी के लिए 700 रुपये, एसटी के लिए 700 रुपये और ओबीसी के लिए 1400 रुपये फ़ीस लगने वाली है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 1000 रुपये आपको फ़ीस लगने वाली है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो। दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, उसके लिए अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो 400 रुपये फ़ीस है, एससी के लिए भी 400 रुपये फ़ीस है और ओबीसी के लिए 800 रुपये फ़ीस लगने वाली है। और अपर डिवीजन क्लर्क मतलब यूडीसी की जो पोस्ट है उसके लिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 600 रुपये फ़ीस लगने वाली है, और एससी के लिए 300 और ओबीसी के लिए 600 रुपये। और दोस्तों ड्राफ्ट्समैन जो पोस्ट है उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे 600 रुपये फ़ीस आपको अनरिजर्व के लिए लगने वाली है और ओबीसी के लिए भी 600 रुपये ही लगने वाली है। और एलडीसी के लिए मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पे 400 रुपये फ़ीस है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और एससी के लिए 200 रुपये है और ओबीसी के लिए 400 रुपये फ़ीस है। ड्राइवर की पोस्ट निकली है दोस्तों, ड्राइवर की पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको 400 रुपये फ़ीस लगने वाली है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और अगर आप एससी हो तो आपको 200 रुपये फ़ीस लगने वाली है। और फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर पोस्ट निकली है, उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो 200 रुपये, अनरिजर्व के लिए 200 रुपये, एससी के लिए 100 रुपया और ओबीसी के लिए 200 रुपये फ़ीस लगने वाली है। और फील्ड अटेंडेंट के लिए यहाँ पे अगर आप अनरिजर्व हो तो 200 रुपये फ़ीस लगने वाली है, और अगर आप ओबीसी हो तो भी आपको 200 रुपये फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। तो दोस्तों कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज अलग अलग यहाँ पे फ़ीस दी गई है, तो आप यहाँ पे आके चेक कर लीजिए कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो और कौन सी कैटेगरी में हो, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर फ़ीस लगेगी। दोस्तों चलो देख लेते पोस्ट के बारे में। साइंटिस्ट सी की जो पोस्ट है वो टोटल निकली है 2, साइंटिस्ट बी के लिए निकली है 9 पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट हैं, और अपर डिवीजन क्लर्क मतलब यूडीसी के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट निकल के आ चुकी है। ड्राफ्ट्समैन के लिए 2 पोस्ट हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के लिए 3 पोस्ट निकल के आ चुकी है, ड्राइवर के लिए 3 पोस्ट है, और फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट है, और फील्ड अटेंडेंट्स के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है। तो कुल मिला के 34 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। दोस्तों चलो बात करते हैं लेवल और सैलरीज की, स्केल कितनी मिलने वाली है। तो दोस्तों पहली जो पोस्ट थी साइंटिस्ट सी की, उसके लिए 2 पोस्ट थी, उसमें आपको यहाँ पे जो सैलरी है वो 15600 से लेके 39100 रुपये तक यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है, प्लस ग्रेड पे के तौर पर 6600 रुपये एक्स्ट्रा मिलने वाले, मतलब 45000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपका एज 40 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए अलाइड सब्जेक्ट ऑफ जियो साइंस में, अगर जियो साइंस में आपका पीएचडी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों सेकंड जो पोस्ट थी साइंटिस्ट बी की, यहाँ पे 9 पोस्ट थी, उसमें से आप चेक कर सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट दी गई है, आप जरूर यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों इसके लिए सैलरी की बात करें तो 15600 से लेकर 39100 रुपये तक यहाँ पे सैलरी है, प्लस ग्रेड पे के तौर पर 5400 रुपये एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 35 ईयर्स के ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्लास एमएससी होना चाहिए जियोलॉजी में या जियोफिजिक्स में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट, 1 पोस्ट निकल के आ चुकी थी वो भी अनरिजर्व के लिए, तो आप देख सकते इसके लिए जो स्केल है वो 9300 से लेकर 34800 रुपये तक पेमेंट है, प्लस 4600 रुपये आपको यहाँ पे ग्रेड पे के तौर पर मिलने वाले हैं। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 35 ईयर्स एज दिया गया है मैक्सिमम, उसके ऊपर एज नहीं होना चाहिए। दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका फर्स्ट क्लास और हाई स्कूल क्लास डिग्री फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, सेकंड क्लास डिग्री या फर्स्ट क्लास हाई स्कूल,
दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ऑटोनॉमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर में। दोस्तों अगली बात करें, यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मास्टर डिग्री है तो आप यहाँ पे डिज़ायरेबल पकड़ा जाएगा, साथ ही साथ आपको लॉ डिग्री होना चाहिए और डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट होगा तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो ये पोस्ट आपको मिल सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, ये टोटल 3 पोस्ट निकल के आ चुकी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,200 से लेकर 20,200 रुपये तक सैलरी दी गई है, प्लस 2,800 रुपये यहाँ पे ग्रेड पे के तौर पर मिलने वाले हैं। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपको 28 ईयर्स दिया गया, मतलब 28 साल के ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका BSc होना चाहिए या तो फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का 3 साल का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट निकल के आ चुकी थी, टोटल 4 पोस्ट है। इसके लिए सैलरी की बात करें तो 5,200 से लेकर 20,200 रुपये तक सैलरी मिलने वाली है, प्लस ग्रेड पे के तौर पर 2,400 रुपये मिलने वाले हैं। और दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपका 27 साल के ऊपर एज नहीं होना चाहिए। बाकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, बस इतना सा, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों ड्राफ्टमैन की पोस्ट जो निकली है 2 पोस्ट, उसमें से अनरिजर्व की एक है, OBC की एक है। और उसको सैलरी की बात करें तो लेवल 4 की सैलरी मिलने वाली है 5,200 से लेकर 20,200 रुपये तक, प्लस ग्रेड पे के तौर पर 2,400 रुपये मिलने वाले हैं। और एज लिमिट की बात करें तो 28 साल दिया गया, मतलब 28 साल के ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो आपके यहाँ पर मैट्रिकुलेशन होना चाहिए सिर्फ 10वीं पास प्लस आई टी आई। अगर 10वीं प्लस आई टी आई आपने किया है तो आप यहाँ पर जरूर अप्लाई कर सकते हो ड्राफ्टमैन के लिए। दोस्तों अगली पोस्ट थी लोअर डिवीजन क्लर्क, मतलब LDC की पोस्ट, ये 3 पोस्ट निकल के आ चुकी थी। इसके लिए लेवल 2 की सैलरी मिलने वाली है 5,200 से लेकर 20,200 रुपये तक, प्लस ग्रेड पे के तौर पर आपको 1,900 रुपये मिलने वाले हैं। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपको 27 साल दिया गया है, 27 साल के ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर एजुकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट मतलब 12वीं पास आपका होना जरूरी है। बाकी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे ड्राइवर की पोस्ट निकली है उसके लिए, तो ड्राइवर की 3 पोस्ट है, उसमें से अनरिजर्व की 2 पोस्ट और SC के लिए 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है। यहाँ पे लेवल 2 की सैलरी मिलने वाली है 5,200 से लेकर 20,200 रुपये तक, प्लस ग्रेड पे के तौर पर 1,900 रुपये आपको मिलने वाले हैं। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपकी 27 साल के ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका 10वीं पास होना सिर्फ जरूरी है, प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए वैलिड मोटर कार के लिए, बाकी कुछ नहीं। दोस्तों इतना सा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट है फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट की, ये 5 पोस्ट है। इसके लिए भी लेवल 1 की सैलरी मिलने वाली है, जैसे कि 5,200 से लेकर 20,200 रुपये तक, प्लस ग्रेड पे के तौर पर 1,800 रुपये आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 25 साल दिया गया, मतलब 25 साल के अंदर अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन सिर्फ हाई स्कूल है, अगर आप 10वीं पास हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर लीजिए। दोस्तों फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट है, वो 2 पोस्ट निकली थी, एक अनरिजर्व के लिए, एक OBC के लिए। इसके लिए सैलरी भी सेम है 5,200 से लेकर 20,200 रुपये तक, प्लस 1,800 रुपये ग्रेड पे। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 25 साल दिया गया है, मतलब 25 के ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ 10वीं पास है और दूसरा नहीं कुछ नहीं, कंप्यूटर का सिर्फ नॉलेज होना चाहिए बस। आप अगर आप 10वीं पास हो, कंप्यूटर आता है तो बस आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन है और बैकवर्ड के लिए मतलब OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अगर आप SC ST या OBC हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा एज दिया गया है। बाकी लोगों के लिए भी यहाँ पर एज लिमिट है, आप आके चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी चीज़ें देखते हैं दोस्तों, ये तो मेन चीज़ें कवर हो चुकी, आई थिंक सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर कुछ रह गया हो तो आप यहाँ पे आके जरूर चेक कर लीजिए, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा सब्सक्राइब लिखा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, घंटा आएगा, उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी, उस उधर जाके भी आपको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नए जॉब के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।